द जायंट फ्लावर। पूरे फुर्सतगंज को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। ताता जी, कल से मेरी आंख बंद नहीं हुई, मैं सो नहीं पाया और बंटी का मुंह बंद नहीं हुआ। कभी मच्छर कभी मक्खी बार बार घुस रहे हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। ये देखिए, पापा का हाथ कैसा टेढ़ा हो गया है। पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सबको हुआ है। हम भी अभी टीवी में यही न्यूज़ देख रहे थे। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बीमारी है। ये बीमारी आज से 100 साल पहले मध्य सागर के कालुका द्वीप में होती थी। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? किसी माइग्रेटरी बर्ड के साथ आ गई होगी। जब बर्ड्स एक शहर से दूसरे शहर उड़कर जाते हैं तो उनके पंजों में कई जर्म्स बैक्टीरिया साथ आ जाते हैं। उन गांव वालों ने इसका इलाज कैसे किया? वहाँ के एक लोकल डॉक्टर ने इसका इलाज ढूंढा और वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। दादाजी, लेकिन ये तो 100 साल पहले की बात है। अब पता नहीं ये फूल वहाँ होगा कि नहीं। ये तो जाके ही देखना होगा। वीर, तुम लोग स्पेसशिप से चले जाओ, अपना ध्यान रखना। दादाजी, मैं उड़ने वाले पंख भी ले जाता हूँ। क्या पता कभी बिना स्पेसशिप के चुलबुल को भी उड़ने की जरूरत पड़ जाए। तुम ठीक कहते हो वीर, पूरी तैयारी के साथ जाओ। सुंदर है, सब सुंदर है। ये क्या हो रहा है? वीर, वो लोग आ गए, चलो भागो। रुको, पहले मैं बात करता हूँ। हो सकता है बात करने से वो दोस्त बन जाए। हम यहाँ दोस्ती करने आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला, हुला हुला। हुला तीरु भाला, हुला हुला हर कोई हाला। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला। ये लोग बात करने के मूड में ही नहीं है। अभी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। वीर, जंगल में वैसे भी कितने सारे जानवर होंगे। तुम लोग भाग जाओ, मैं भोला भाला डोंकी बनके इन पे जासूसी करूँगा और वो फूल कहाँ है पता करके तुम्हें बताऊँगा। गुड आइडिया चुलबुल। विंग सूट ऑन, विंग सूट ऑन। बचाओ! भोला जानवर बन के जासूसी करने का आइडिया फ्लॉप हो गया। के साथ एक और लड़का है, उसे भी बांध रखा है। दोनों को बचाना होगा। अच्छा हुआ उड़ने वाले पंख साथ लाया हूँ। दादी, सबको छोड़ दो, उसे छोड़ दो, फिर कभी ऐसे गलती नहीं करेगा। हदीसा, हदीसा। हुला हुला, ले जाओ इसे। आज हदीसा को चोरी के जुर्म में तीरों का सामना करना होगा। दादी!
पता करो। थैंक यू वीर। यू वेलकम चुलबुल। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ओ, तुम हमारी भाषा बोल सकते हो, बहुत अच्छा। हुला हुला, न्यूकी न्यूकी, इधर इधर से चलो, वहाँ बहुत सारे अनासी के जाले हैं। अनासी के जाले, वो क्या है? ओ, तो मकड़ी के जालों से डर के तुम्हारी न्यूकी यानी कि मधुमक्खी इधर नहीं आती। अच्छा, अनासी मीन स्पाइडर। ओके। मेरा नाम अदीसा है, मेरी दादी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए सरदार मुझे फूल की पत्ती नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने चुराने की कोशिश की और पकड़ा गया। वो फूल चुराना क्यों पड़ा? फूलों पे तो सबका हक होता है। उस फूल से हर बीमारी का इलाज होता है, इसलिए अदूजा वो फूल पूरे गांव में कहीं और पैदा होने नहीं देता। सिर्फ उसके पास ही एक फूल है और उसी फूल का डर दिखा के सबको गुलाम बना के रखता है, क्योंकि सबको कभी न कभी उस फूल की पत्ती की जरूरत पड़ती है। अदूजा कौन है? क्या वो तुम्हारा सरदार है? नहीं, वो रानी का सेनापति है। रानी भी उससे डरती है और वो जो कहता है रानी वही करती है। फिर तो हमें भी वो फूल बिना मांगे चुपचाप लेकर जाना होगा। हमारे शहर में बहुत लोग बीमार हैं और हम ये फूल लेने आए हैं। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ओके, जैसे ही वो मेरा पीछा करने लगेंगे, तुम लोग फूल की पत्तियाँ तोड़ के उड़ते हुए वापस उसी पेड़ पे रुक जाना, मैं वही मिलूंगा। हुला हुला तीरु भाला, हुला हुला तीरु भाला। फूल चुराने की हिम्मत की है, आज तुम्हें हमारे तीरों का सामना करना होगा। रानी साहिबा, मेरा नाम वीर है, मेरे शहर फुर्सतगंज में सब लोग बीमार हैं और मैं सिर्फ ये फूल की पत्तियाँ लेने आया हूँ। नहीं, तुम हमारे पवित्र फूल को छू भी नहीं सकते, हम तुम्हें अभी खत्म कर देंगे। खत्म करना है तो खुद अपने दम पे खत्म करो। ये हुला हुला तीरु बुरा कह के दूसरों से तीर और भाले क्यों चलवा रहे हो? तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हो? मंजूर है, युद्ध होगा। हुला हुला। वीर, एक बार सोच लो, इससे जीतना असंभव है। दादाजी कहते हैं जो असंभव को संभव कर दे उसे ही वीर कहते हैं। ये मेरे और इस गाँव वालों के हक की लड़ाई है। अगर मैं जीत गया तो आज के बाद किसी गांव वाले को आप ये फूल लेने से मना नहीं करोगे, किसी को भी गुलाम बना के नहीं रखोगे। मंजूर है, हम तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं। युद्ध शुरू हो। अदूजा, 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 अदूजा। डिसेंगेज, डिसेंगेज, रोबोटिक चिप टूटने का खतरा, डिसेंगेज। खुशी का दिन है वीर, तुम बहुत बहादुर हो, तुम फूल की जितनी पत्तियां चाहो ले जा सकते हो,
आज के बाद इस पुल पे हर गांव वाले का हक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, उस बीमारी की दवा तैयार हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा काम है घर घर जाके इसे सबको पिलाना। दादाजी, ये काम मैं करूँगा। ने एक बार फिर फुर्सतगंज को बचा लिया। उसने इस बीमारी की दवा खोज निकाली और पूरे फुर्सतगंज को इस दवा से ठीक कर दिया। थैंक यू रोबो बॉय। हे सब्सक्राइब टू वाओ किड्स टुडे।